लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनैतिक मंतव्य है। लॉकडाउन नहीं लगेगा भैया, चिंता की कौनो बात नहीं है, मतलब चिंता नहीं करनी है, नहीं करनी है मतलब बिल्कुल नहीं करनी है। अरे चिंता करने के लिए योगी सरकार जो है पूरा ठेका ले लिए हैं, बाकायदा टेंडर निकलवा के ठेका लिए हैं, कोर्ट पे मतलब चिंता कर रहा है, चिंता क्या टांग घुसाए रहा है। बताइए सरकार को निर्देश दे रहे हैं लॉकडाउन लगा दो। अरे ऐसे कैसे लगा दे लॉकडाउन, कोई 2020 थोड़े ही है, और अभी तो चुनाव भी बाकी है, कोरोना का क्या है, आज है कल चला जाएगा, लेकिन चुनाव जीते तो पूरे 5 साल राज करेंगे। जनता तो बेचारी लॉकडाउन सुन के ही जोश में आ गई, सब दौड़ लगा दिए, जिसको झोला मिला तो झोला सहित, और जिसको नहीं मिला वो झोला रहित ही निकल पड़ा। सब्जी मंडियों में सब्जियां कम पड़ गई, किराने वाले का हफ्ते भर का स्टॉक कुछ घंटे में ही खत्म हो गया। सरकार को इस बार गरीब मजदूरों की बहुत चिंता सता रही है, लॉकडाउन लगा तो इनकी आजीविका का क्या होगा। हाँ अगर इन्हीं गरीब मजदूरों को कोरोना हुआ तो चिंता की कोई बात नहीं है, ना तो बेड की चिंता, ना तो ऑक्सीजन की चिंता, और ना ही दवा दारू की, जब है ही नहीं तो भला चिंता का है कि। वैसे योगी जी सब इलाज ढूंढ लिए हैं, बंगाल से जड़ी बूटी लाए हैं, अरे चुनाव प्रचार तो बस बहाना था, असली वजह तो यही कोरोना की जड़ी बूटी थी। बहुत खतरा मोल लिए जनता के लिए, इलाज खोजते खोजते खुद ही पॉजिटिव हो गए। वैसे भी जब सारी प्रजा पॉजिटिव हो रही है तब राजा का निगेटिव बने रहना कहाँ तक उचित है, आने वाली पीढ़ियां धिक्कारेंगी, थू थू करेंगी, आत्मगिलानी के मारे जीना मुश्किल हो जाएगा। अब की बार मना कर दिए हैं, मतलब पिछली बार लगाए थे तब क्या लोग गरीब नहीं थे, हो सकता है लॉकडाउन के चलते ही गरीब हो गए हों, यानी पिछला वाला लॉकडाउन अपने मकसद में एकदम कामयाब रहा। ठीक है ना, सुनो पहले ही कब सुने थे, सब चलने दो, जनता का क्या है, वो तो वोट देने के लिए बनी है, भले ही अस्पतालों में बेड के बदले हाउसफुल का बोर्ड लगा मिले, ऑक्सीजन मांगो तो मौत मिले, लेकिन तुम मत सुनना, लॉकडाउन करना तो बस अपनी आंखों और अपने कानों का। लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनैतिक मंतव्य है।